हेलो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारे सारे वीडियोस लगातार आप तक पहुंचते रहें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं दीपक गोस्वामी और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बैंकर चिंतामणि में। दोस्तों, आज का ये वीडियो होने वाला है एक प्रोडक्ट रिव्यू का वीडियो। ये वीडियो है पोको H2 स्मार्टफोन का। ये फोन मैंने मेरी वाइफ को उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था और इस फोन के लिए मैंने इतनी छानबीन की थी। हर जगह मैंने सर्च किया था, कितने सारे वीडियोस देखे और फिर मैंने इतनी सब कुछ छानबीन करने के बाद ये डिसीजन लिया कि मुझे पोको X2 क्यों लेना चाहिए। तो मैं आपको आज इस फोन का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो आप जितना सुन रहे हैं कि इसका कैमरा कैसा होगा, इसका बैटरी का इशू क्या है, साउंड कैसा है, क्या है इसमें, सब बताऊंगा इसके बारे में और एक्चुअली ये है क्या, इस वीडियो को इसीलिए आप शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। तो चलिए करते हैं हम इस प्रोडक्ट के रिव्यू की शुरुआत। चलिए दोस्तों करते हैं शुरुआत। तो ये है पोको X2 का बॉक्स। ये जो फोन है ये मैंने अपनी वाइफ को उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था। इसकी बॉडी एकदम मस्त है, डिजाइन क्वालिटी वगैरह से बहुत बढ़िया है। सबसे पहली चीज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसको गौर से देख लीजिए। आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। सबसे पहली चीज है ये इसकी मेड इन इंडिया, जिसने मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया। पहले ये फोन कभी मेड इन चाइना हुआ करता था, लेकिन अब ये फोन मेड इन इंडिया है। सबसे पहले तो ऐसे फोन की तलाश में था जो कि मेड इन इंडिया हो, तो मुझे पोको X2 नजर आया। फिर अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। चलाने में कितना स्मूथ है। इस फोन की जो मेमोरी है वो है 128 GB। मैं दोस्तों ये बताना चाहता हूँ आपको कि इसमें जो है या तो एक बार में आप दोनों सिम लगा सकते हो या फिर आप जो है एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो है 64 GB की बजाय 128 GB का फोन लें, क्योंकि केवल 1000 रुपए का ही डिफरेंस है और 1000 रुपए में आपको 128 GB मेमोरी का स्मार्टफोन ये मिल जाएगा। क्योंकि कभी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आपको सिम नहीं निकालनी पड़ेगी और अलग से कार्ड नहीं लगाना पड़ेगा। 128 GB बहुत सफिशियंट मेमोरी होती है और इसकी जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वो है 6 GB। अगर आपको फोन में 6 GB की रैम मिल रही है तो आप सोचिए कितना फास्ट हमारा मोबाइल चलेगा। तो ये तो हो गई इसके रैम और रोम की बात। अब हम बात करते हैं इसके कैमरा की कि इसमें कौन कौन सा कैमरा क्या क्या दिया हुआ है। तो ये देखिए, इस फोन में आपको 4 कैमरे दिए हुए हैं, साथ में इसका फ्लैश भी बहुत ही शानदार है। मैंने फ्लैश से भी फोटो खींचे, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन इससे पहले हम कैमरा की बात कर लेते हैं। 64 MP का जो कैमरा दिया हुआ है वो सोनी का IMX686 कैमरा है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कैमरा माना जाता है। फिर इसमें एक 8 MP, 2 MP के 2 मैक्रो और डेप्थ कैमरा दिए हुए हैं। फ्रंट कैमरा भी इसका बहुत ही शानदार है। फ्रंट में इसका 20 MP डेप्थ और प्लस 2 MP का इसका मैक्रो कैमरा दिया हुआ है। और इसी फोन के कैमरा से हमने हमारी वाइफ का जो है एक ब्लॉग शूट किया है पूरा, उसके हैप्पी बर्थडे का। आप चाहो तो वो देख सकते हो, वो हमारा पहला फर्स्ट ब्लॉग है जो कि इस कैमरा से बनाया हुआ है हमने। और जो ब्लॉग हमने बनाया है वो रात में बनाया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बेहतरीन कैमरा है ये। वो ब्लॉग आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैमरा कितना बेहतरीन है इसका। एक्चुअली हमने ये लिया ही इसीलिए है कि हमें जो है अलग से कैमरा ना खरीदना पड़े, और जिसके हमने रिव्यूज देखे थे वो बहुत अच्छे थे। और जो भी ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग शूटिंग वगैरह करना चाहते हैं, आउटडोर रिकॉर्डिंग वगैरह भी करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बेस्ट है। अब दोस्तों बात आती है कि इसकी बैटरी कैसी है, तो मैं आपको इसकी बैटरी के बारे में बता देता हूं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं 79% इसकी बैटरी है। सुबह इसकी बैटरी मैंने 100% की थी, इससे मैं आज एक वीडियो शूट कर चुका हूं जो कि अभी एडिट नहीं हुआ है, फिर भी इसकी बैटरी 79% है। तो मेरे व्यूअर्स मेरे से पूछेंगे कि ये इतनी अच्छी बैटरी तो इसकी नहीं है, इसकी रिव्यू तो इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 4500 mAh इसकी बैटरी है, जो कि काफी अच्छी है। अगर आप इसका कंपैरिजन Redmi 9 Pro Max के साथ करते हो तो ये फोन उससे 1 घंटा कम चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत देर तक चलता है तो ये 8-10 घंटे पहले ही खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा डिफरेंस बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस बैटरी का इश्यू कैसे सॉल्व करना है, अगर इस फोन की बैटरी आपको Redmi के फोन से भी अच्छी चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसा पहले 3 दिन मैंने किया था, आपको ये जो फोन है इस फोन को पहले दिन फुल चार्ज करना है और बैटरी पूरी ड्रेन होने तक इसको यूज करना है। इसको बीच में चार्ज पे नहीं लगाना है, फोन को पूरी तरीके से खुद ब खुद बंद होने देना है, उसके बाद इसको फुल चार्ज करना है। इस तरीके से आपको जो है 3 दिन बैटरी को फुल ड्रेन करके फुल चार्ज करना है, उसके बाद आप इसको यूज करना। देखिए इसकी बैटरी आपकी लाइफ टाइम रहेगी और बहुत ही बढ़िया बैटरी आपकी चलेगी। बैटरी में मुझे तो कोई इशू समझ में नहीं आया, बहुत बढ़िया फोन है, शानदार फोन है, कैमरा अच्छा है, बैटरी अच्छी है, और क्या चाहिए। और इस फोन में जो फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है वो यहाँ बाजू में दिया हुआ है, जब हम इसको यूज करते हैं तो उंगली हमारी खुद ब खुद यहाँ लगती है, तो ये फिंगर इसको यूज करना भी बहुत आसान है, यूजर फ्रेंडली है, डिजाइन बहुत अच्छी है। और मेन चीज है इसका साउंड बहुत ही जबरदस्त है। चलिए मैं आपको साउंड की टेस्टिंग करा के दिखाता हूँ। MI वगैरह के फोन में इतना साउंड नहीं सुनाई दिया जितना की साउंड इसका है, चलिए देखते हैं।
ये देखिए इसका एक एक बीट आप अच्छे से सुनिए, समझ में आएगा आपको। इसका बेस वगैरह भी बहुत अच्छा है फोन का, एक एक साउंड आपको बारीकी से और क्लियर सुनाई देता है। ये देखिए इसका बेस सुनिए आप। और अब मैं इसकी एक चीज और बता देना चाहता हूँ, इसका जो सिम इजेक्टर पिन जो आती है उसको ढूंढना काफी मुश्किल होता है, वो मैं बता देता हूँ। जब हम हमारा बॉक्स ओपन करते हैं तो इस तरह का एक कवर आता है, उस कवर में ये बैक कवर आएगा। ये बैक कवर इस बॉक्स के साथ ही आया था। स्क्रीन गार्डर आप चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो ये गोरिल्ला ग्लास ऑलरेडी है ही इसमें। इसका पिन ढूंढने में हमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हम यहाँ से जब इसको खोल के देखते हैं तो हमें कहीं भी पिन नहीं दिखाई देती है। ये देखिए, तो आपको सीधे सीधे इसको ओपन करना है यहाँ से, यहाँ पे इसकी पिन रहती है देखिए। और इसका जो चार्जर है, ये देखिए इसका चार्जर कितना हैवी चार्जर है। और इसकी जो कॉर्ड है ये सी टाइप है, दोनों तरफ से इसको आप लगा सकते हो। सबसे बढ़िया बात मुझे जो इस फोन की लगी वो ये है कि इस चार्जर से अगर आप इसको फुल ड्रेन होने के बाद चार्ज करते हैं तो 20 मिनट में पूरा का पूरा मोबाइल फुल चार्ज हो जाता है। तो ये सबसे बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है। तो आई होप कि वीडियो को आपने जो है बहुत एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में अगर आपको कुछ और जानना है, कुछ और अगर आपके मन में जिज्ञासा हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मन को एक बहुत ही बढ़िया खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चलो पांडा जी बाय बाय कर दो, बाय।